हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 14, शेड्यूल टू बी डन ऑन 6 सितंबर 2021 फॉर क्लास 7th। द टाइनी टीचर, आपकी जो बेटा जो फर्स्ट चैप्टर है उस पर बेस्ड ये वर्कशीट है। और आपको बताया गया है कि टाइनी टीचर कौन है। यहाँ पर टाइनी टीचर है एंड, देखिए आपको पिक्चर से भी पता चल रहा है एंड के। आप देखिए कितने लेग्स हैं, 6 लेग्स हैं, 2 एंटीनाज हैं और कितनी छोटी सी है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज़ एन एंट, वेरी गुड। इट इज़ एन इंसेक्ट, ये एक इंसेक्ट है, ये एक कीड़ा है। तो देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है सम फन फैक्ट्स, कुछ हमें फन फैक्ट्स बताए गए हैं। एंट्स आर द स्मॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट, सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है। सम पीपल कीप देम एज पेट्स, अपने पास वो पालते हैं, एंट्स को पालते भी हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड, अब ये जो देखिए मिट्टी के ढेर के अंदर, आप कई बार देखेंगे मिट्टी के ढेरियाँ बना देती हैं एंट्स, चींटियाँ जब आप देखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनके घर को एंट हिल्स, क्या बोलते हैं, एंट हिल्स। तो आप देखिए उसके बाद रीड द चैप्टर टू राइट एंड ड्रॉ 5, राइट लिखना है आपको और ड्रॉ करना है 5 फैक्ट्स यू केम अक्रॉस इन द चैप्टर। तो देखिए अभी 2 फैक्ट्स तो आपको यहाँ पर ही मिल गए कि सबसे पहले आप यहाँ पर क्या है एंट की पिक्चर बना देंगे। इस तरह से पिक्चर बना देंगे और क्या है, इट इज एन इंसेक्ट, एन इंसेक्ट, स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट है, वाइजेस्ट है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी है, वाइजेस्ट है सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है, और इसके अलावा लिव इन एंट हिल्स, इनके घर को क्या कहते हैं, एंट हिल्स, उसके बाद देखिए अगर आप और जाएं तो यहाँ क्या डाल सकते हैं, क्वीन एंट ले एग्स, क्वीन ओनली, क्वीन ले एग्स, सिर्फ वही अंडे देती है, बाकी सोल्जर्स होते हैं, बाकी उसका ध्यान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं। उसके अलावा डिसिप्लिनड हैं ये, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनड होती हैं, देखा आपने कैसे लाइन में चलती हैं, जिसको जो काम दिया जाता है वो वही काम करता है। तो इस तरह से और भी जो फैक्ट हैं आप इसमें डाल सकते हैं और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई। और आप अपनी मर्जी से भी जो फैक्ट्स आपको अच्छे लगें, कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ और फैक्ट्स जो आपको अच्छे लगे वो आप उसमें से देख के और अपने चैप्टर को जब आप रीड करेंगे तो आप इसमें ऐड करके उसके साथ रिलेटेड ड्राइंग बना सके तो अच्छी बात है, आप ड्राइंग भी बनाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स एंड टू फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, keep learning and enjoying, stay blessed and healthy, bye।